जी क्या कहना चाहेंगे जिस जी? नमस्कार, मैं लकी चिदा, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, और मीडिया का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और हमारा जो आज का जो मैसेज है वो एलजी सरकार को है कि जो इंसेंटिव पिछले दिनों इन्होंने निकाला है वो मेडिकल स्टाफ को दिया गया है, लेकिन उसमें हमारे सफाई कर्मचारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं या अर्बन लोकल बॉडी जम्मू, अर्बन लोकल बॉडी कश्मीर, या फिर कॉरपोरेशन कश्मीर के हैं, उनको उस पैकेज के साथ नहीं जोड़ा गया है। तो मेरी दरख्वास्त है एलजी सरकार से जल्द इन लोगों को भी जो है उस पैकेज के साथ जोड़ा जाए, या तो फिर इनको मिनिमम वेजेस एक्ट देके इनका जो मनोबल है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि ये वो कोरोना वॉरियर है जो हर समय अपनी सहायता अपनी सेवाएं देने के लिए आप लोगों के साथ रहते हैं, और इन्हीं को आपने आज पीछे किया है। इसका हमें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है कि जो कोरोना वॉरियर हर समय अपनी सहायता दे रहे हैं, अपनी जान को दांव पे लगा के इस महामारी में ऐसी ऐसी जगह पर जाकर काम कर रहे हैं जहां पर जो रेड जोन एरिया कर रखा है उस एरिया में कोरोना पॉजिटिव केस है, वहां पर जाकर हमारे जो सफाई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं एलजी सरकार से जल्द उनको भी इस पैकेज के साथ जोड़ा जाए और उनका जो मनोबल है वो बढ़ाया जाए। जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अमर मोमन, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज मीडिया के माध्यम से हमारी यही दरख्वास्त रहेगी हमारी एलजी गवर्नमेंट से कि जिस तरीके से हमारे सफाई कर्मचारियों को आज फ्रंट वॉरियर कह करके आज हमारे सफाई कर्मचारी को पिछाड़ा जा रहा है, हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। माननीय एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें ये इंसेंटिव देने की बात रखी गई, इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, ड्राइवर्स और सफाई कर्मचारी जोड़े गए। हमें खुशी का माहौल था, हमारे सफाई कर्मचारी काफी इस चीज से खुश थे कि आज हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी एलजी सरकार आई है जिन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचा है। आज जैसे ही हमें पता चला कि सफाई कर्मचारियों को इस ऑर्डर में नहीं जोड़ा गया, जो कोरोना योद्धा, जो कोरोना वॉरियर, जो रेड जोन में जाकर के बिना सेफ्टी किट के जो काम कर रहे हैं उन लोगों को एलजी साहब ने नहीं जोड़ा है, इस चीज की हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार करते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी ये वो फ्रंट वॉरियर है जो उस एरिया में जाकर के काम कर रहा है, यहाँ पर तारबंदी की गई है, यहाँ पर किसी को आने जाने में अनुमति नहीं है, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी उन घरों में जाकर के जहाँ पॉजिटिव केस निकले हैं उन घरों में जाकर के वो लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, वहां से उन लोगों का कचरा उठा रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन वही जो जर्म्स हैं उन लोगों के हमारे सफाई कर्मचारियों के घरों तक भी पहुंच रहे हैं, उनके बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं। यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कई बार कहा है कि हमारे कुछ सफाई कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने यह जानने की कोशिश की है कि वो कौन से सफाई कर्मचारी हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, उनका आज तक कोई हाव-भाव नहीं पूछा है। हम यही कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से कि हमारे सफाई कर्मचारी ये वो फ्रंट वॉरियर है, इनके बारे में भी सोचा जाए, इनका घरों का जो गुजर बसर है, इनको बच्चों का भविष्य को देखा जाए। हम चाहते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी को मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ जोड़ा जाए, उसके साथ साथ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, इन लोगों ने एक बसेस लगाई थी कि जिससे सफाई कर्मचारियों को लाने में और छोड़ने में जो उन लोगों को जो उसका बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन वो बसें सिर्फ और सिर्फ तेल फूंक रही है और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसका बजट जो है बढ़ता जा रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार करते हैं कि ये बसें सिर्फ और सिर्फ सिटी के अंदर घूम रही है, ना कि किसी को ला रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार करते हैं जिस तरीके से आपने ऑर्डर निकाला है बसों को सिटी में घूमने के लिए, हम चाहते हैं उसके साथ साथ वो ऑर्डर निकाला जाए जैसे हमारे सफाई कर्मचारी नगरोटा से आ रहे हैं, नगरोटा से लाने में उन लोगों को सहूलियत मिल सके, हमारे सफाई कर्मचारी कोर भरवाल से आ रहे हैं उनको लाने में सहूलियत मिल सके, हमारे सफाई कर्मचारी बड़ी ब्राह्मण से आ रहे हैं, ये जितने भी दूर दूर से सफाई कर्मचारी हमारे पैदल आ रहे हैं, लोगों से लिफ्ट ले लेकर आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगर बसेज लगाई है उसका बेनिफिट जो है वो सफाई कर्मचारी को मिल पाए। धन्यवाद।